होगा जब उसके पास में बॉडी प्रोटेक्टर होगा, क्योंकि आपको आप हर टाइम कैमरे की नजर में है और आप जिस भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में होते हैं उसमें बहुत जरूरी है कि आप कैमरा अपने पास रखें, ताकि जो उसमें असामाजिक तत्व हैं या दंगा फसाद करने वाले लोग हैं उनको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। सभी थानों में एक वीडियो कैमरा दिया गया है, उसमें समस्या एक चीज की है कि आपके पास उसकी मेमोरी कुछ कम है, तो उसके अंदर कार्ड लगता है मेमोरी कार्ड, उसकी मेमोरी कुछ कम हो जाती है। उसका तरीका यह है कि जब आप उसमें वीडियो सेव कर लें, रिकॉर्ड कर लें, जब वो वीडियो पुरानी हो जाती है आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में डाल दीजिए, मेमोरी कार्ड से साफ कर दीजिए, आपकी मेमोरी दोबारा से आ जाएगी। नहीं तो मेमोरी कार्ड खरीद लीजिए, बहुत आसान है, यहाँ से मेमोरी कार्ड खरीद के दिए भी गए। उसी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण छोटी सी चीज़ है टॉर्च, जो रोशनी के लिए टॉर्च इस्तेमाल होती है। टॉर्च हमेशा आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, अंधेरे का टाइम है, गाँव देहात में आपको बहुत बार रात में लाइट नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं दिखाई देगी, टॉर्च आपके पास 100% हो। सभी थाना प्रभारी अपने थाने पे जाके चेक करा लें कि कितनी टॉर्च आपके पास थाने पे रखी हुई है। पर्याप्त संख्या में टॉर्च हो जो आपकी रात की ड्यूटियाँ निकलती हैं, पिकेट निकलती हैं, उनके पास टॉर्च रखी हुई है। जब हम लोग छोटे थे देखते थे, पहले कन्वॉय लगता था, जब रोड होल्डअप की घटनाएं हो जाती थी, रोड पे सड़क बस में लूट हो जाती थी, पहले कॉन्वॉय लगता था, एक बैरियर पे रोक के और 50 गाड़ियों को एक साथ रोका जाता था और फिर छोड़ा जाता था। और छोटे थे हम लोग, गांव में थे तब देखते थे, कभी देर रात बिरात आना हुआ तो एक सिपाही बस में चढ़ के और टॉर्च से चेक करता था सबको, क्योंकि कहीं रोड पे अंधेरे में कहीं बैरियर लगा होगा, कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं होगी वहाँ पे, और वहाँ पे आपकी टॉर्च ही काम करेगी। और उस सिपाही की टॉर्च वो सिर्फ इतना अगर मूवमेंट करती थी सड़क पे तो लोगों को समझ में आ जाता था कि यहाँ पुलिस मौजूद है। तो इसीलिए टॉर्च भी आपके पास, सभी थाना प्रभारी इसको इंश्योर कर ले, रात की ड्यूटियां आपकी बिना टॉर्च के ना निकले। आपकी गाड़ियों में रास्ता जरूर हो, भीड़ को कंट्रोल करने का एक और आसान माध्यम है, और एक ऐसी चीज है जिसकी आपको कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। आप गश्त में जा रहे हैं, कहीं कोई गड्ढे में गिरा हुआ है कोई व्यक्ति, और कोई तरीका नहीं है तो आपको रस्से के माध्यम से उसको निकालना पड़ेगा। इतने थाना प्रभारियों की गाड़ियों में रस्से रखे हुए हैं, घुसी होना चाहिए। मैं इसीलिए ये चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ, मैं एक ही बात आपको पिछले 1.5 महीने से यही बातें रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी गाड़ी में हेलमेट, डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर, लाउड हेलर, एक छोटी सी बाल्टी में चूना, रस्सी, रस्सा, टॉर्च, और आपके सिपाही के पास टीयर गैस गन, कैमरा और एंटी रायट गन जरूर हो। ये मिनिमम चीजें हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। इसके बाद दूसरी चीज आती है कि जब कोई घटना हो जाती है, आप घटना पे पहुंचते हैं, घटनास्थल पे पहुंचते हैं, जब कोई घटना हो जाती है तो बहुत बार ऐसा माहौल हो जाता है कि आपको कोई ब्रीफ करने वाला नहीं होता है कि आपको क्या ड्यूटी दी गई है। वहां पे आपने जो इतनी लंबा आपका अनुभव है पुलिसिंग का, आपकी हिम्मत अमली काम आती है। एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं भी एक अकेला आदमी ना जाए। आप अगर CRPF में देखोगे, पैरामिलिट्री में, फौज में, तो वहाँ पे एक बड़ी का सिस्टम होता है, बड़ी पेयर का सिस्टम। बड़ी पेयर का मतलब है दो लोग एक साथ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे अकेला नहीं जाएगा, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे डिप्लॉयमेंट आपका हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दो लोग जाएं। अगर कोई ड्यूटी भी लग रही है, कोई पिकेट लग रही है, वो दो लोगों की लगती है, हमेशा सिंगल आदमी की नहीं लगती है। वो इसीलिए लगती है कि अगर सिंगल आदमी के साथ कोई चीज होने लगे तो दूसरा उसको कवर करने के लिए रहे, और इसमें आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है कि आप जहां भी जाएं, अगर बाई चांस आप अकेले छूट भी गए तो अपने प्रभारी से बात करें, कहें साहब दो लोगों की ड्यूटी एक साथ रहे, दो लोग ड्यूटी करें। जितने हमारे थाना प्रभारी हैं, आपके सभी सिपाहियों के पास, दरोगाओं के पास आपका पर्सनल नंबर होना चाहिए। ये जनपद ऐसा है जहां आपको CUG पे बात करने में समस्या आ रही है, बहुत से थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां BSNL की कनेक्टिविटी थोड़ी डाउन है, आपके सिपाहियों के पास आपका पर्सनल नंबर जरूर हो। थाने पे एक जगह एक कागज पे प्रिंट आउट निकाल के अपने पर्सनल नंबर का और लिख दीजिए। रात के टाइम अगर 3 बजे मान लिया हो किसी गाड़ी को दौड़ा रहा है कोई, उसने देख लिया कि कोई चोरी करने जा रहे हैं और पिकअप से चोरी कर रहे हैं और उसने दौड़ा लिया, अब अकेला सिपाही हो सकता है ना दौड़ा पाए, इंस्पेक्टर साहब को फोन करेगा रात में, CUG हो सकता है नेटवर्क ना हो ना मिले, और पर्सनल नंबर मिलेगा तो आप उठाओगे, उससे बात करोगे और आप कवर कर लोगे, दो चार कंट्रोल रूम को सूचित कर दोगे, दो चार थाना प्रभारियों को सूचित कर दोगे, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल सिपाही के पास नहीं है। इस
इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका सभी का पर्सनल मोबाइल नंबर आपके सिपाहियों के पास, दरोगाओं के पास, इसी प्रकार से सभी चौकी इंचार्जों का नंबर उनके सिपाहियों के पास होना चाहिए। इस प्रकार से मेरा पर्सनल नंबर, मैं सभी थाना प्रभारियों को लगभग अपने पर्सनल नंबर से कॉल करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि आपको रहे याद ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर सीयूजी नहीं मिल रहा है तो आप उसको फोन करके मुझे बताएं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी रहे अपने थाने पे कि किसी भी टाइम आपके पास कितनी फोर्स उपलब्ध हो सकती है। ये आज की एक्सरसाइज जो यहाँ हो रही है और जो थानों पे हो रही है, इसका मकसद यही है कि हमें ये अंदाजा हो जाए कि हमें किसी भी आकस्मिकता के लिए कितनी नफरी हमारे पास मौजूद है। थाने पे आपके हो सकता है अगर 50 सिपाही हैं, 50 में से 25 बैरक में रहते हों और बाकी 25 कहीं आवास में अपना कमरा लेके रहते हों, इधर उधर रहते हों, आपके बैरक वाले 25 तो तुरंत आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो इधर उधर रहते हैं, कमरा लेके रहते हैं, उन 25 का मोबाइल नंबर जब तक आपके पास सही मोबाइल नंबर नहीं होगा। बहुत से बढ़िया इंस्पेक्टरों को मैंने देखा है, वो यहाँ तक भी करते हैं कि जिस किराएदार के यहाँ वो रहते हैं उनके सिपाही कमरा लेके, उस किराएदार तक का नंबर रखते हैं। अगर बाई चांस सिपाही का, दरोगा का नंबर ना मिले तो किराएदार को सूचित करके उसको बुलवा लिया जाए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। त्योहारों का सीजन है, आपको पता है कि ये जनपद अति संवेदनशील है इस दृष्टिकोण से, खासकर त्योहारों के दृष्टिकोण से, और सावन का महीना ऑलरेडी शुरू हो गया, पहला सावन का सोमवार बीत चुका है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटी की अपनी, और वैसे भी पिछले एक महीने से, क्योंकि मैं तो 9 जून के बाद की बात कर सकता हूँ, जब से मैं आया हूँ तब से मैंने जितना आप लोगों से उम्मीद की है उससे ज़्यादा ही रिजल्ट दिया है। बहुत से लोगों ने अपने ड्यूटी का टाइम भी क्रॉस हो गया, उसके बावजूद भी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से ड्यूटी करते रहे हैं, लेकिन अब हमें 3-4 महीने और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। खास करके आप अपने क्षेत्र में अपने लोग तैयार करिए, अच्छे लोग तैयार करिए, जैसे हम लोगों ने सभी चौकी इंचार्जों से तैयार कराए हैं, उसका एक सम्मेलन अभी बहुत अच्छा करेंगे। उसी प्रकार से हर एक सिपाही के पास 20-25 आदमी अपने अपने क्षेत्र में होने, कोई बात हो तो वो आपकी बात कहने के लिए खड़े हों, आपके साथ खड़े हों। जो लोग अमन चैन चाहते हों, जो लोग समाज में अच्छा काम चाहते हों, वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और समाज में मुश्किल से 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो खुराफाती होते हैं, समस्या पैदा करते हैं, बाकी सब लोग ये चाहते हैं कि अच्छा रहे, शांति रहे, पुलिस का साथ देने को तैयार रहेंगे। आप उनको तैयार करिए अपने अपने क्षेत्र में। ग्राम सुरक्षा समिति के लिए हमने बताया था, कुछ सिपाहियों ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है, कुछ ने वही पुराने नाम लिख के दे दिए हैं, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सभी थाना प्रभारी खड़े हैं, अपने सिपाहियों से इसी तरीके से बात करिएगा जैसे मैं आपसे बात करता हूँ। मैं एक एक चीज़ को अगर आपको 10 बार बताता हूँ तो आपको अपने सिपाहियों को वो चीज़ 20 बार बताएंगे, तब जाके उसका कंप्लेंट हो पाएगा, समझ रहे हो इंस्पेक्टर गोसी। दूसरी चीज, छोटे से छोटा मुद्दा अगर आपकी कहीं जानकारी में आता है जो समस्या पैदा कर सकता है, उसको तत्काल जानकारी में ले आइए अपने से सीनियर अधिकारी की। अगर वो सिपाही को पता चलता है तो उसको संकोच नहीं होना चाहिए कि वो दरोगा जी को ना बताए, तत्काल दरोगा जी को बताएं, दरोगा जी इंस्पेक्टर साहब को बताएं, हमें बताएं। अब तो सीयूजी नंबर है, सिपाही को अगर लगता है कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है तो डायरेक्टली हमें बता सकता है। लेकिन किसी भी चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है, कोई भी छोटे से छोटा मुद्दा हो सकता है, लोग आपको ये कहें यार ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इंस्पेक्टर की जानकारी में उसको लेके आए, इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि हमें बताएं। छोटी से छोटी चीज जितना जल्दी अटेंड हो जाएगी उतना ज़्यादा उसकी संभावनाएं खत्म हो जाती है उसमें किसी भी खुराफात होने की। इसी प्रकार से आपको लगता है अपने क्षेत्र में कोई इस टाइप का व्यक्ति है जो खुराफाती है, जो माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करता है, बिना बात में लोगों में गलत भावनाएं पैदा करने की कोशिश करता है, उसकी एक लिखित रिपोर्ट हमारे पास भेजिए, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तमाम तरह के कानून हैं कार्रवाई करने के लिए, जो अच्छा आदमी है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम तरह के कानून हैं, और जो बुरा आदमी है, जो समाज को सही दिशा में नहीं ले जाना चाहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तमाम तरह के कानून। आपके पास तो सांप्रदायिक गुंडे तक बनाने की ताकत है। जिस तरह का अपराध अगर आदमी ने सोच भी लिया, अच्छे लोगों के साथ आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आप तक सूचना लाए, और बुरे लोगों को इतना आपसे खौफ खाना चाहिए, इतना डरना चाहिए कि वो अपने दिमाग में कुछ खुराफात करने की सोचे भी नहीं। ये तब होगा जितना ज्यादा हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपनी बीट में, थाने पे, और वो जो आपके लिए लागू है वो मेरे लिए भी लागू है। मैं जितना अपने थानों पे जाऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि डेली एक थाने पे जाए, उतना मुझे अपने थानों के बारे में जानकारी होगी। जितना आप अपने बीट में जाएंगे उतना आपको अपने बीट की जानकारी होगी। दरोगा जी जितना चौकी में क्षेत्र में जाएंगे उतना चौकी की जानकारी होगी।
ये सब चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, अलर्टनेस आपको रखने की जरूरत है। सावन का महीना है, कावड़ यात्रा में किसी को कोई समस्या ना हो ये आपको सुनिश्चित करना है। कहीं भी कोई बात हो जाती है, खुदा खासा अगर कोई बात हो तो आपका रिस्पांस टाइम सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आज आप लोग इतने अच्छे रिस्पांस टाइम के साथ आए हैं, इसी तरीके से हर सूचना पे हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। ये आप ही लोगों की बदौलत है कि ये जनपद पूरे यूपी में 100 नंबर के रिस्पांस टाइम में नंबर वन है। हो सकता है आप बहुत लोगों को ना पता हो, आपका जनपद 100 नंबर के रिस्पांस टाइम में पूरे यूपी में नंबर वन प्रथम स्थान पे है। 7 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, 7 मिनट 20 से 30 सेकंड लगते हैं यहाँ के किसी भी पीआरवी किसी भी दोपहिया 100 नंबर की गाड़ी को घटनास्थल पे पहुंचने के लिए। बहुत सी पीआरवी ऐसी हैं जिनका एवरेज रिस्पांस टाइम 4.5 मिनट का है, 4.5 मिनट के अंदर वो सभी घटनाओं पे पहुंच जा रहे हैं। तो जब पीआरवी पहुंच सकती है, हम क्यों नहीं पहुंच सकते? हम भी पहुंच सकते हैं, वो भी हमारा हिस्सा है। उनमें जो पीआरवी में लोग बैठे हुए हैं वो कल को 2-3 साल पहले आप ही की तरह बीट की ड्यूटी कर रहे थे, हो सकता है वो कल को वापस आ जाए और आप पीआरवी में चले जाएं। यही रेस्पॉन्स टाइम हमें अपनी सिविल पुलिस में भी अपनी जो नॉर्मल ड्यूटियां हैं उसमें भी रखना है। जितने थाना प्रभारी हैं, इसके बाद आप जाएंगे अपने थाने पे पता करिएगा, हम लोगों ने थाने पे भी ये रखा है कि जो इसके अलावा फोर्स बची हुई है वो थाने पे इकट्ठी होगी। आप अभी अपने अपने थाना क्षेत्र में जाएं तो थाने पे जाएं वापस, वहां जाके ये देखिए कि कितनी फोर्स इकट्ठा हो पाई। आप लेके आए हैं 10, 5, 15 और 2-17 लोगों को, आप अपने आप को मिला के आप 18 लोग आए एक थाने से। इसके अलावा जो आपके थाने की फोर्स बची हुई है वो हमने थाने पे इकट्ठा किया, तो आप जाके देखिए कि उस बची हुई फोर्स में से कितनी फोर्स आपकी आ पाई है। आपको खुद को आकलन हो जाएगा कि कितनी तैयारी है हमारी, कितनी प्रिपेयरनेस है, और उसमें से देखिए कि उनके पास कितनों के पास ये हेलमेट डंडा बॉडी प्रोटेक्टर उपलब्ध हो पाया, कितनों के पास नहीं हो पाया। हो सकता है एक आध थाने में कुछ कमी हो तो हमें बताइए, हम पुलिस लाइन से आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर त्यौहार के दृष्टिगत किसी को लगता है कि उसके यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है, आपको हम 2-4 सिपाही एक आध सब इंस्पेक्टर अभी भी उपलब्ध करा सकते हैं, पुलिस लाइन में फोर्स उपलब्ध है, तो वो थाना प्रभारी मुझे कल रिपोर्ट भेज दें। जो थाना प्रभारी 2 यहाँ नहीं है उनके सीओ साहबानों को बता दें, मोहम्मदाबाद और दोरीगा, अगर कहीं आवश्यकता महसूस होती है तो हमारे पास रिपोर्ट भेज दें। आज के आपके रिस्पॉन्स टाइम के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी, थके होने के बाद भी, बहुत समय से आज सभी लोग पहुंचे हैं। एक बार अपने लिए सभी तालियां बजाएं। इसके बाद सभी थाना प्रभारी जाएंगे और अपना आकलन कर लें। फायर सर्विस की भी गाड़ियाँ मेरे ख्याल से समय से आ गई थी। QRT 2 QRT थी हमारी, एक कहाँ कोपागंज में थी, कोपागंज एक QRT तुम्हारे पास थी क्या? जो मधुबन वाली QRT है वो कहाँ थी? आइए QRT, आप QRT प्रभारी हैं, आपसे पूरे कितने नफरी है? आ गए सब लोग, मौजूद है गाड़ी में, क्या क्या रहता है? दूसरी QRT जो एक और क्या वो तो फिर दिन की QRT दिन वाली की आर्टी गई होगी। और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। सबसे अनुभवी थाना प्रभारी कौन है? श्रीवास्तव जी सर, मैं हूँ सर। हमारे से कोई छूट गया होगा कुछ तो बताओ, सब कवर हो गया बताओ। जी सर, सारे पॉइंट सर आप सब कवर कर दिए गए सर, मुझको लगता नहीं सर कि कोई सब पॉइंट छूटा है सर। धन्यवाद सर। और हम सभी लोग अनुभव सर ये है कि अब सब लोग जाकर सर हम लोग मीटिंग करें, और मीटिंग करके सभी को जो ब्रीफ करें, और ब्रीफ करके सबके अंदर इंस्पायर इंस्पिरेशन डालें कि ताकि इसका जो आपके द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका अच्छे से हम लोग पालन कर सकें। धन्यवाद सर। जय सर, हम सर आश्वस्त करते हैं समस्त पुलिस बल की तरफ से सर आपको कि रिस्पांस टाइम मिनिमम रहेगा, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है नंबर वन प्रायोरिटी रहेगी, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, और इसी तरह हम लोग आपके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया,
बस मुझे आखिरी चीज आप लोगों को यही कहने थी कि आप अक्सर इस तरीके से मिलते रहेंगे, आज इस चौराहे पे बुलाया है, हो सकता है कल घोसी में बुला लिया जाए, परसों गोपागंज में बुला लिया जाए, किस दिन मधुबन में बुला लिया जाए, हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरीके से। और क्योंकि हम लोग एक ऐसी सेवा करते हैं, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, कितने लोग तैयारी करते हैं एक कांस्टेबल पे भर्ती होने के लिए, दरोगा होने के लिए, डिप्टी एसपी होने के लिए, कप्तान साहब बनने के लिए, कितने लोग कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद कुछ लोग उसमें भर्ती हो पाते हैं। उस वर्दी को पहनने का मौका बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलता है और ये आपको महसूस करना चाहिए, वर्दी पहनने में गर्व महसूस करना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी भी तरीके से नहीं उठा सकता। और हमें गर्व महसूस करके, अगर हमारी ड्यूटी 12 घंटे की है तो 15 घंटे का आउटपुट देना चाहिए, और कभी भी अगर 24 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ जाए, 48 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ जाए, वो कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, हमेशा मुस्कुरा के ड्यूटी करनी चाहिए। यही मेरा संदेश है आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारी टीम इस तरीके से हो कि आप जरूरत पड़ता है अगर तो मूव करा सको, है ना, वो तब होगा जब आप पहले से आइडेंटिफाई करके रखोगे। जिस गाड़ी में जाना है उस गाड़ी को चला के कौन ले जाएगा, कौन सी गाड़ी जाएगी, वज्रवाहन कौन सा जाएगा, दिन के समय हो सकता है आपकी गाड़ियाँ ड्यूटी में हो, तो दो चार आपके प्राइवेट मैजिक वाले या उनसे भी आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, उनका भी ब्यौरा और नंबर आपके पास होना चाहिए, उनको एकदम से बुलाओ और सामान रखो और भेज दो। आईडी लगाओ, और क्या लगाओ, मैं लाइट कम नहीं, काम नहीं, कुछ लाइट कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा खेल पड़ रहा है, नीचे कर लो, कैप हो गई, पीछे रखी होगी, अब पीछे रहे ना हो ना, दो बार से हम नीचे कर लेंगे आईडी, ठीक है, हटाई दें, सर आज क्या तैयारी थी, क्या आज जो आपने किया गाजीपुर के रास्ते, जो आगामी त्यौहार हैं और सामान्य व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए एक मॉक ड्रिल कराई गई है जिसमें रेस्पॉन्स टाइम चेक किया गया है पूरे जनपद की फोर्स का, हर एक थाने से 18 लोगों की नफरी जिसमें महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है, उनका रेस्पॉन्स टाइम चेक किया गया है, 9:17 पर मेरे द्वारा सबको ब्रीफ करके छोड़ा गया था कि सब लोग पहुँचे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि 9:25 पे यहाँ 3 थाना प्रभारी मेरे ख्याल से पहुँच चुके थे और 50 मिनट के अंदर सभी थाना प्रभारी जिनमें से 90% लोग बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट और डंडा लेके आए हैं जिसके बारे में निर्देशित किया गया था, उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, सीएफओ साहब हैं, हमारे तीनों सीओ साहिबान हैं और एलआईयू का जितना स्टाफ है वो सब यहाँ पे मौजूद था। मेरे द्वारा समस्त फोर्स को ब्रीफ किया गया है कि किस तरीके से हमें आगामी त्यौहारों में अपनी तैयारी करने की आवश्यकता है, लोगों के साथ जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मित्रता का व्यवहार हो, उनको अपनाया जाए, उनको ये महसूस कराया जाए कि पुलिस उनके लिए है ताकि वो पुलिस को सूचना दें, आपराधिक सूचना भी दें और उन कुछ लोगों के बारे में भी बताएं जो समाज में किसी भी प्रकार का की परेशानी पैदा करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं उनको चिन्हित करके और रिपोर्ट भेजी जाए ताकि उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा सके। ये एक रेस्पॉन्स टाइम की एक्सरसाइज थी जिसमें आज हमारे पूरे जनपद का रेस्पॉन्स टाइम लगभग 45 मिनट के करीब रहा, जो दूरस्थ 30-30 किलोमीटर से भी आए हैं वो भी पहुँच गए, और इसको हम लोग वीकली बेसिस पर करेंगे, हर सप्ताह करते रहेंगे ताकि ये रेस्पॉन्स टाइम और कम हो जाए। और इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि जब पूरे जनपद से पुलिस फोर्स मोटरसाइकिल से और गाड़ियों से आती है तो पुलिस का मूवमेंट पूरे जनपद में एक साथ हो जाता है, और इसी तरीके से जब वापस जाएंगे तो फिर एक बार पुलिस का मूवमेंट रात में होगा, तो इसको भी दृष्टिगत रखते हुए किया गया। थैंक यू सर। तो ये आप देख रहे थे किस प्रकार से यहाँ पे जो एसपी थे वो ब्रीफ कर रहे थे, और इस बीच ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से आप देख रहे हैं, सबसे तेज़ न्यूज़ पे लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से मूवमेंट के बाद यहाँ पर वो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, इस तरह का लगातार आपको देखने को मिलता है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मऊ जनपद से।
संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।